अब आप देख रहे हैं कि आपने पहले दिन आजमाने के लिए अल्लाह ने आपको यकीन कितना बढ़ा दिया कि आप पहले दिन आप फील ही नहीं किए, बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं किए और गैर यकीनी तौर पे आप गए। तो जब अल्लाह ने उन्होंने करके दिखाया आपको, अल्लाह ने करके दिखाया कि नहीं ये हकायक होती है, ये नेमतें होती है और ये हमारे इर्द गिर्द है, अल्लाह ने क्रिएट किए पैदा किए हैं, कोई तरीका होते है जिसके ज़रिए हम इस पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और साइंस के हवाले से इंसान सिर्फ अपने 3 से 4% पावर को इस्तेमाल करता है, बाकी इस दुनिया से साथ ले जाते हैं, अनयूज गैर इस्तेमाल दे जाते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सलाहितों को अप्लाई करें, इस्तेमाल करें और उन ताकतों को इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने दिए, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बस टेक्निक आनी चाहिए, रहनुमा कोई मिलनी चाहिए, कोई इलम को हासिल करनी चाहिए, इस बारे में तहकीक करनी चाहिए, इस पर तहरीरें करनी चाहिए, इस पर बातें करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। बिल्कुल सब इसी में। जी जी सब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। और सब लोगों में ये मैसेज आए, इंशाल्लाह आएंगे, आप जैसे एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे तो आप जैसे यकीन। आप नेक्स्ट कब आएंगे? इंशाल्लाह ये आई थिंक 2 को है, आप भी मुझे कंट्रोल रूम से इंशाल्लाह आवाज़ आएगा, आई थिंक 2 को आ रहा हूँ मैं, 2 अगले महीने के 2 को आई थिंक है, तो कंट्रोल रूम इंशाल्लाह मुझे बताएंगे, फिर मैं ऐलान कर दूंगा। सही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 5 to 8 तक करना है। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करने है, ज़रूर ज़रूरत है हमें भी और इस माशरे को, दुनिया को, लोगों को, फैमिली वालों को, और हमारे ताहयात हमारे साथ है, ये चीज़ ना कोई आप उसे छीन सकते हैं ना ले सकते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं ये चीज़ें। जब चाहें कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको अप्लाई किए और अल्लाह ने क्योर किए, ठीक किए, नेचर के साथ हमारी कनेक्शन होती है। सही है, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी और ताकत अता फरमाए और इल्म अता फरमाए अल्लाह ताला, और हम सबको अल्लाह ताला अता फरमाए, हम सबको जो भी देखते हैं सुनते हैं हमें भी दुआओं में याद रखे, हम हमेशा आपको दुआओं में याद रखते हैं, और अल्लाह जैसी चाहे, अल्लाह ताला जैसे चाहे वो, और इंसान तलाश करें वो दे देते हैं अल्लाह ताला, तो इसलिए तलाश करना, इलम को हासिल करना ये फ़र्ज़ बनते हैं, और जहाँ से भी हो फ़र्ज़ बनते हैं, अल्लाह ताला ने करनी चाहिए। तो हम आते हैं कि दोबारा टेंशन और सर दर्द, और ये टेंशन और ये सर दर्द ये क्या कैसे होती है, किसी को आपने देखा होगा, कभी कभी जब आपको बहुत टेंशन में होती है। अच्छा मैं आपको ये ऐलान कर दूं कि 2 तारीख को लाहौर और 9 तारीख को पिंडी में इंशाल्लाह जुलाई को होंगी, ये याद रखें, और हमारे ये पोल्ट्री भी चल रहे हैं और इसलिए आप इसको देखें, और इसके ये भी इसमें दर्ज है। एक कॉल होल्ड पे है, दोबारा आते हैं बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, मेरे ख़्याल में कॉल ड्रॉप हो गए, और हम बात कर रहे थे कि टेंशन ये चीज़ें कैसे रिमूव किया जा सकता है। एक टेक्निक तो मैंने बता दी, दूसरी टेक्निक ये है कि टेक्निक यानी कुदरती तरीके से, यानी ये मेरा मतलब ये नहीं आप मालिश के बाद लाजमी जाएंगे और वजह ढूंढ लेंगे इस चीज़ के, कि सिर्फ इस टेक्निक्स पे नहीं जाना है, क्योंकि वायर ढूंढना और जड़ से उसको ख़त्म करना,
जब भी मुझे परेशानी कभी कभी हो जाते हैं तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, या कोई ऐसा मैं वह शाफ़े अल्लाह समझ पढ़ता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग पढ़ते हैं उनको, उनके अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में शिफा क्या लिखा है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की ताकत है और हर जगह पे अल्लाह है। अल्लाह नूरुल समावात वल अर्द, कभी हमें बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ने लिखा होता है, मायूसी नहीं होनी चाहिए। एक शख्स ने मुझे बताया था कि मैं ये पढ़ता वो पढ़ता लेकिन मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, मेरे ठीक हो जाते। ये मुझे नहीं पता कि सबको ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं, ये अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला को पता है। तो होता ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसी टेक्निक में जो मैंने पिछला बताया, अल्लाह ने आपके कुल इलाज लिखे होंगे। हमें तो नहीं पता अल्लाह ने कहाँ हमारा इलाज छुपा के रखा है, कहीं है, हमें तलाश करना है, तरीकों को अपनाना है। लेकिन ऐसे तरीके बग़ैर माहरीन के नहीं करनी चाहिए जो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स है। जिस तरह मिसाल के तौर पे सर में दर्द आ गया, आप घर में टैबलेट है, आपने पेन किलर ले लिया और बस, इस तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ख़ुद अपने आप को मालिश समझ के किसी और को आप दे देते हैं, इसके बहुत नुकसान होते हैं। आपको पता है ये सिर्फ पैरासीटामोल के यानी पेन किलर जो आप बेज़रर समझते हैं, डिस्प्रिन लोग ऐसे लेते हैं उसके जो आप बेज़रर समझते हैं, बड़े नुकसान होते हैं इस चीज़ों के, याद रखना है। तो बग़ैर ही डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कभी ना लिया करो। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप आउट जा सकते हैं कहीं घर से, ऑफिस से, कोई ग्रीन डी किसी जगह पे आप बैठ सकते हैं, तो एक सांस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कपाल भाती पिछले प्रोग्राम में, या ये यूट्यूब पे आप देख सकते हैं मेरे योगा के, या फेसबुक पे हमारे योगा का एक स्टूडेंट्स ने एक स्कूल बनाया हुआ है, स्कूल ऑफ योगा बाय प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद, वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें मिलते हैं। अगर वहाँ आप नहीं तो यूट्यूब से आप ले सकते हैं। उसमें मैंने एक एक्सरसाइज बताई है कपालभाति कैसे करनी है, और एक एक्सरसाइज है जो कि वो जो लतीफ़ एनर्जी जो हम जज्ब करते हैं उसका मैंने बताया। उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स जो है, या बल्कि बहुत से प्रॉब्लम्स अल्लाह क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप आएंगे समदा हीलिंग एनर्जी को अपनाएंगे, हमसे इलाज करेंगे, तो ये फिर इंशाल्लाह परमानेंटली, जिस तरह आप कॉलर्स की बात और आप आके खुद देख ले, तजर्बा कर ले, एक बार तजर्बा ज़रूर करें, और ज़िंदगी में कितनी आपने तजर्बात किए होंगे, कितना कुछ आपने आज़माए होंगे। लेकिन ये कुदरती तरीका इलाज है, समदा हीलिंग एनर्जी एंड HMF, ये कुदरती तरीका इलाज है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई मुज़िर असरात नहीं है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर आजमाएं, बल्कि पूरी फैमिली के साथ आप आजमाएं, पूरी दोस्तों के साथ आप आजमाएं, आई और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार एक शख्स इसको लेते हैं, इस तरीके से इलाज करते हैं, तो फिर पूरे के पूरे ख़ानदान आ जाते हैं और पूरे महल आ जाते हैं और पूरे लोग आ जाते हैं, जितने भी जानने वाले होते हैं, जो भी उनके कहने पे यकीन रखता है तो वो आ जाते हैं और अल्लाह शिफा दे देते हैं उनको। इसी तरह आप आएंगे, आप तशरीफ़ ले आएंगे और फिर आपकी वजह से अल्लाह कितने लोगों को शिफा देंगे, आपके ज़रिए अल्लाह कितने लोगों को शिफा देंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे हाथ में अगर शिफा आ जाते हैं,
हमारे गुफ्तगू हमारी देखने से अगर शिफा आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो पॉजिटिव थिंकिंग और पिछले प्रोग्राम्स में जो हमने बताया भी था, पॉजिटिव सोचे, अच्छे सोचे और बेहतरीन सोचे, और यकीन रखिए कि अल्लाह ने कहीं ना कहीं आपके तरीका इलाज कहीं ना कहीं हर बीमारी का रखा है, बस आपने आजमाना है, तलाश करना है और ढूंढना है, यानी आपने और अपनाना फिर आपने। तो प्रोग्राम का वक्त नहीं है, लास्ट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह यहाँ पर कराची में 25 को और 2 जुलाई को हमें ज्वाइन करें लाहौर, और 9 हमें ज्वाइन करें पिंडी पीसी होटल में। ये तमाम जो होते हैं पीसी होटल में होते हैं। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और बड़े ख़ूबसूरत मौजू के साथ, और वो मौजू है वो जो मौजू है समर कैंप और चिल्ड्रन डिसिप्लिन टेक्निक्स, जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा भी। और इस समर में जो हमें बच्चों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बुरी आदत हो जाती है, बिगड़ जाती है, कोई मसाइल होते हैं क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको इनको थोड़ा बहुत बिजी रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको बिजी रखना है। अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM एंड रिपीट एट नाइट एट 1 AM। Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successive formula. Learn world's most powerful healing energy, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing. And connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.